विधानसभा चुनाव नजदीक है, नेताओं का दलों के साथ दूरियां और नजदीकियां बढ़ेंगी। कल तक गलबहियां और आज तेरी ऐसी की तैसी वाली बात करते समर्थक भी आपस में भिड़ सकते हैं। अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, हमारे सामने जनता का संविधान है और संविधान के जो रक्षा नहीं कर सकता हो वो राज्य की रक्षा क्या कर सकता है। और राष्ट्र की और बाबा साहब धारा 19 में साफ है कि आप अनुशासन भंग करना अगर है तो उसके लिए के खिलाफ आप किसी पीछे से कर रहा है सदस्य का राज्य के विधायक या राष्ट्रीय परिषद के मुत्तल नहीं कर सकता तो पीछे कर लीजिए, साफ है। और इसकी धज्जियां उड़ा रहा है जो अपने संविधान को रक्षा नहीं कर रहा हो, उससे क्या अब कहां जाएंगे आप? 2009 में आप RJD छोड़कर BDU आए, अब आप आप कहां जाएंगे? लेकिन निकाला गया गैर कानूनी, निकाला कहाँ गया, मैं तो खुद इस्तीफा कर दूंगा। लेकिन उससे पहले निकाल दिया गया, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगे? मुख्य कानून चलता है क्या देश? मुख्य कानून संविधान चलता है क्या? संविधान यही कहते लड़ाई करी जा रही है। ये कुछ ऐसी अवश्यभावी बातें हैं जो श्याम रजक के द्वारा जदयू से पाला बदलने के बाद पैदा हुए हैं। एक दशक पहले श्याम लालू प्रसाद के प्रिय पात्रों में हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों में उनकी आस्था बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। अब पुनः तीर छोर लालटेन थाम जनता के बीच संभवतः अलख जगाएंगे। जनता तमाशबीन की तरह हर चुनावी अखाड़े की ओर टकटकी लगाए रहती है पर कुछ नहीं कहती है, केवल मतदान के दौरान बटन दबाकर अपना रिजल्ट बताती है। ब्यूरो रिपोर्ट SDF News पटना।